चल ठीक है भाई, बाय। ठीक है भाई, देखता हुआ चाहिए, बारिश आ रही है बाहर। तो नहीं जाना तो मत जाना, फिर बैठ जा। खड़ा क्यों है, बारिश हो रही है तो खड़ा क्यों है भाई? रुक थोड़ी ना जाएगी खड़े रहने से बारिश है ना, बैठ जा आराम से। अब जब वो रुकेगी तब रुकेगी। तो बारिश तो रुक गई है और अभी बज गए सुबह के 10 और सचिन जा चुका है और भरत यहीं बैठ के काम कर रहा है और मनोज हमारा फोन चला रहा है। तो अभी देखते हैं इन दोनों को। हाल है मनोज, फोन बढ़िया चल रहा है, खुश है तू? सही है। तू भाई भरत, काम बढ़िया चल रहा है? हेलो कर दे फिर, कमाल हो गया यार। चलो तो ये दोनों तो आलसी हुए पड़े हैं और मैं ना आके आता हूँ इतने, और देखता हूँ आज कहाँ पर जाएंगे। बाकी कुछ बढ़िया सा मिल नहीं रहा अभी तक, आइस स्केटिंग करने गए वो भी बंद मिला, तो देखते हैं आज का क्या सीन रहता है। हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल लेक्स व्लॉग्स। तो भरत डेली की तरह काम में लगा हुआ है, वैसे अभी फ्री हो जाएगा, 15-20 मिनट लगेगी इसको। और मनोज और मैं रेडी हो गए हैं बाहर जाने के लिए और कुछ नया देखने के लिए। वैसे आज जा रहे हैं हुड्डा सिटी सेंटर, तो देखते हैं वहाँ पे क्या कुछ इंटरेस्टिंग मिलेगा। बाकी ये इसको खाना है ओवन स्टोरी का पिज़्ज़ा, यहाँ पे ओवन स्टोरी का पिज़्ज़ा बहुत बढ़िया मिलता है। हंस क्यों रहा है भाई? तो चलो। तो भरत भाई जूते, मेरे को लगा जूते पहन रहे हैं यार। तो यार कितनी देर लगाएगा भाई? 20 मिनट हो गए। 20 मिनट हो गए नहीं, मेरी घड़ी में तो 15 मिनट हो गए, 5 मिनट रह गए। चल कोई बात नहीं, जल्दी जल्दी फिर फटाफट से फिर चलते हैं। भरत अभी बिजी है, ये रस्सियां बांध रहे हैं यहाँ पे फ्लैटों के कपड़े सुखाने के लिए। क्या हो गया मनोज? अरे छोड़ दे, क्या तू क्या परेशान हो रहा है? अच्छा बना दे, चल बना दे। नहीं बनेगी, छोटी है बहुत, बना दी। चलो बढ़िया है, चलो अच्छा काम कर दिया। थोड़ी भी तो तू नहीं थी, भूल गया? फाइनली भरत रेडी हो गया है। हो गया क्या भाई? खुशी देख इसके चेहरे पे, खुशी देखो। वाह क्या बात है, लैपटॉप अंदर तो ऐसे रख रहा है जैसे पता नहीं क्या ही रख देगा अंदर। लेके जा रहे क्या? अच्छा खुशी देख कितनी है तेरे चेहरे पे यार। अच्छा पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं तेरे को देख के। हाँ अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। तो जल्दी कर ले, आधा घंटा हो गया इंतजार करते हुए। और आज सुबह इतनी बारिश आई है कि अभी तक मौसम बढ़िया हो रखा है, बहुत बढ़िया हो रखा है और मस्त हवा चल रही है। और वो आज गाड़ी उस साइड खड़ी है और भरत को घूम के जाना पड़ा और अब वो गाड़ी इधर लेके आएगा, इधर से तो नहीं गया, खराब हो जाते कपड़े सारे। मनोज कह रहा था कि इतना पानी भर गया, इतना पानी कैसे भर सकता है? बोला भाई इतनी बारिश आई थी, आप देख लो इतना सारा पानी भरा हुआ है यहाँ पे। ये है गुड़गांव, हिसार भी भरता पानी, तो ऐसी बात तो नहीं। हाँ भाई भरत कहाँ जाएगा फिर? भाई कॉफी में जाते हैं। स्टारबक्स में जाएगा यार तू, तू जहाँ तू गएगा वहाँ। अच्छा ठेले पे भी लेते हो तो फिर बैठना यार, स्टारबक्स में बैठना चाहता है ये लड़का। तो अभी चलते हैं स्टारबक्स और देखते हैं मनोज और मेरा कुछ काम होएगा या नहीं होएगा वहाँ पे। चलो चले। और ये स्टारबक्स कॉफी की हल्की हल्की परछाई छूट गई है यहाँ पे, बंद हो गया मतलब यहाँ से, अब वो शिफ्ट हो गया कहीं और। तो तू कैफे कॉफी डे भी जा सकता है, आ जा। तो अभी भरत ने पूछ ही लिया किसी से कि स्टारबक्स कहाँ पर है, तो कह रहे हैं यहाँ वाला तो बंद हो गया, ये इधर फूड कोर्ट में मिलेगा। तो चलते हैं अंदर। चल भाई मैकडोनल्ड्स आ गया हमारा दोबारा से, और ये डोमिनोज रहा, और ये पता नहीं क्या ही है, वाव मोमो। चलो कुछ मिला? ये मनोज क्या पढ़ रहा है भाई तू?
टुंडे कबाबी को कह रहे टुंडे कबाड़ी, इधर देखियो टुंडे कबाड़ी, कमाल है। चलो चलते हैं, वो भरत बैठा है उधर, चार्जिंग पॉइंट मिल गया उसको। और सब खाएगा है मनोज, देखते हैं, चलो देखते हैं। मुश्किलों से कुछ डिसाइड हुआ है और बर्गर किंग आए हैं अभी, तो चलते हैं अंदर, देखते हैं क्या ऑर्डर लगाएंगे आज। ऑर्डर भाई साहब पता ही नहीं, अजीब सी चीज़ मंगवा ली इस बार तो मनोज, ये क्या है, ब्रेड सा टाइट ही बहुत है ये। तो हम दोनों ने क्रिस्पी वेज वोल्केनो ऑर्डर किया था और इसका टेस्ट हमको तो ऐसा लग रहा था देख के कि बढ़िया नहीं पाएगा, लेकिन बहुत ही बढ़िया टेस्ट है। वैसे क्या हिसार के बर्गर किंग में मिल जाए तो वहाँ पर भी ट्राई कर लेंगे, अभी यहाँ का खा पी के देखते हैं और कहाँ जाएंगे। अब आइसक्रीम का ऑर्डर दे रहे हैं, तो मनोज दे रहे हैं ऑर्डर आइसक्रीम का। हाँ कैसी लग रही है, अच्छी आइसक्रीम, बढ़िया। बर्गर किंग वालों के पास खुले रुपये नहीं थे तो उन्होंने मुझे ये सिक्के पकड़ा दिए इतने सारे, चलो कोई बात नहीं ले लिए। अब ये मनुष्य देख रहे हैं कुछ और खाए गए यहाँ पे, क्या खा रहे भाई? हो गया काम हमारा, हो गया, थोड़ा सा रह गया अभी, करो करो भाई, घूम के आते हैं। और ये आ गया चाय पॉइंट, और यहाँ पे समोसा भी है 39 का, और महंगा भी बहुत है ये तो, महंगा बहुत है। चल भरत, मैं भी ले आया, अकेले अकेले खा रहा था तू। अच्छा तूने पूछा ही नहीं, फ़ोन करके तो पूछता कि भाई खाओगे, चल खा ले मस्त। तो मनोज ने इतना जिसको ठोक ठोक के भरवा दिया, ढंग से मुंह से खाया भी नहीं जा रहा, इतना बड़ा हो गया। आज हुड्डा सिटी सेंटर तो घूम लिए, और वैसे तो और भी बहुत कुछ था खाने को, लेकिन अब और क्या ही खाते, आप लोग बोर हो जाते हमको देखते देखते। तो अभी भरत को फ़ोन कर रहे हैं, वो आ रहा है बस 5-10 मिनट में आ जाएगा, वॉशरूम गया था शायद, आ रहा है अभी। क्या हाल है भरत, काम वाम हो गया मस्त? बहुत बढ़िया है। चलो जल्दी गाड़ी निकालो और चलते हैं घर की तरफ। थोड़ी देर घुमाते हैं, क्योंकि दोपहर को आके तो हम सो गए थे और फिर नींद आई बहुत तेज, तो अभी कहीं जाते हैं घूमने, देखते हैं सचिन मिलेगा शायद मेन रोड पे, उसको पिकअप पिक करके फिर चलते हैं। मेन रोड मिलेगा? हाँ मेन रोड पे मिलेगा। चलो आजा भाई मनोज। क्या हाल है सचिन? क्या हाल है? मस्त एकदम। राइट ले भाई आगे से। चलो चलो चलो। रास्ता पता है? रास्ता पता है, तभी तो राइट बता रहे भरत, क्या बात कर रहा है? बताओ बस। ऐसा है, दोबारा से सेक्टर 46 में आ गए, जहाँ पे न्यूट्री कुलचा खाया था, लेकिन वो दोपहर का टाइम था और आज ये रात का टाइम है, और बहुत सारी स्ट्रीट फूड है यहाँ पे, लेकिन समझ नहीं आ रहा क्या खाएं, क्या खाएगा भाई मनोज। भरत भी आ गया, क्या कुछ खाने का प्लान है बताओ जल्दी से। आज सबकी अलग अलग डिमांड है, मेरी डिमांड पिज्ज़ा है और भरत की डिमांड है आज चिकन बिरयानी खाएगा आज भरत हमारा, इसकी अलग डिमांड है। और तो इसका तो जल्दी हो गया पैक काफ़ी, मेरे वाले में भी टाइम लगेगा। और मनोज तुम लोग क्या खाओगे भाई? क्या सोचा है, क्या खाने का सोचा है? अभी चिकन लेंगे। चिकन, तुम भी चिकन खाओगे? हाँ। सही है, खाओ बढ़िया। तेरा ही वेज का एक पीस भी लेंगे। मेरा वेज ले लेना बस। हाँ।
अलग नहीं रखेंगे, खाएंगे इसको। हम मैं वेज खा लूंगा, मैं तो वेज ही खाऊंगा बस। सचिन कह रहे कि मेरे को पिज्जा कम पड़ जाएगा क्योंकि ये भी मेरे से शायद शेयरिंग कर ले, तो मैं कुछ और भी ऑर्डर दे रहा हूँ। क्या ऑर्डर देना बता दो भाई, वेज में बोलना जो भी बोलो। इतने महंगे प्राइस खिलाए आज तो मेरे को, 70 रुपए के हैं, इससे कम क्या लेगा गुड़गांव में। हिसार में 50 के मिलते हैं, तो फिर हिसार का खाना। तो शनिवार को जाऊंगा मैं, तो भैया ये भैया बनाएंगे फ्रेंच फ्राइज, 70 रुपए की प्लेट है, और जल्दी से बना दो भैया। भाई पीछे बन भी रहे हैं शायद, आई थिंक ये रहे। वाह चलो घर जा ही पता लगेगा टेस्ट का। तो वैसे तो हिसार के भी बढ़िया हैं, यहाँ के भी बढ़िया ही पाएंगे। तो ये सारा सामान पैक हो गया है, चले भरत घर, सारा सामान पैक हो गया है। पिज्जा तो मनुष्य ने गाड़ी में ही खोल दिया, सही तो अब घर जाके क्या खाएगा। सिगरेट लिया भाई छह। तो ये सचिन के भैया हैं और अभी आए थे हम, तो गाड़ी में बैठ के खा रहे थे और भैया आए पीछे से और बोले कि क्या कर रहे हो, हम हमारे साथ ज्वाइन कर लिया इन्होंने। फिर मौज मार रहे हैं, ये मौज मार रहे हैं, पिज्जा पिज्जा खा रहे थे और क्या बस। और चलो और क्या कर रहे थे और क्या कर रहे थे बताओ आप बताओ। कुछ नहीं कर रहे थे वैसे, मजाक कर रहे हैं। तो अभी चलते हैं घर पे, और आज तो करवा लिया भाई सचिन पैक, तो चले चलो। वैसे बाहर का तो खा लिया और ये घर का खाना आ गया, तो मतलब पीजी में जो खाना बना वो भी खा लेंगे थोड़ा बहुत, वो थोड़ा सा लिमिटेड ही खाया, ज़्यादा नहीं खाया।